कंस्ट्रक्शन इन हाउस होती है इनकी, राइट? या एलएनटी के साथ होती है? नहीं, इन हाउस इन हाउस। देखो कितने ब्यूटीफुल है यहाँ पे, ये अंदर से ही सीढ़ियाँ जा रही हैं, इसके अंदर डुप्ले हैं, काफी ब्यूटीफुल। ये देखिए बाहर आपका ग्रीन एरिया के लिए इन्होंने स्पेस दिया हुआ है हॉर्टिकल्चर के लिए, और हॉर्टिकल्चर की बात करें तो बाहर इतनी है, अंदर लगाने की जरूरत ही नहीं है। फ्रेश एयर है आसपास, बेसिक जो नेसेसिटी होती है जैसे कि दूध दही देसी सब मिल जाएगा यहाँ आसपास, जो कि हमें मेन प्रॉपर गुड़गांव के अंदर नहीं मिल सकता। एक हेल्थ कॉन्शियस कोई है वो भी जल्द से जल्द इसमें ले सकते हैं, और चार्ट ले या फिर ये 3BHC। ये ब्लॉक कौन सा है अपना? एफ ब्लॉक फ्लेमिंगो, राइट? अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, गेम्स वगैरह। ये बाहर से भी ये बिल्कुल प्रॉपर स्टेडियम ही है ये तो, स्टेडियम। ये देखिए इन हाउस स्टेडियम, यू कैन कॉल इन हाउस स्टेडियम। डेली मैच होते हैं यहाँ पे, प्रैक्टिस करनी हो किसी को, मतलब कि एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे आते होंगे सारे, क्योंकि ऐसे तो प्ले कर नहीं सकते। शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम तो पहले रोड पे करते थे क्रिकेट प्ले, मगर आज की डेट में कितना डेवलप हो गया है। और ये सेंट्रल पार्क है जो इतनी अच्छी आपको कंस्ट्रक्शन दे सकता है, इतनी ग्रीनरी दे सकता है, और एक क्वालिटी ऑफ सर्विस दे सकता है, रिजॉर्ट फीलिंग आती है अंदर आती है। ये इन्होंने इधर प्लॉट्स निकाले होंगे आई थिंक, है ना? 180 गज से स्टार्ट होंगे। प्लॉट्स तो ऑलरेडी सोल्ड आउट है, फ्लेमिंगो सोल्ड आउट है, सनराइज जैसे आप बता रहे थे वो भी सोल्ड आउट है। अभी हमारे पास खाली ऑर्चार्ड में है, और दो ही ऑप्शन रह जाते हैं, बेलविस्टा और ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड बेलविस्टा जो है वो आपका स्टूडियो अपार्टमेंट है, और ऑर्चार्ड जो है वो लो राइज कॉन्सेप्ट बनाया है कंपनी ने, जिसमें आपको फ्लोर्स मिलते हैं। ऑर्चार्ड के अंदर हमारा खाली 2.5 BHK रहेगा, 4 का भी रहेगा, राइट? सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। कितना प्यारा व्यू आता है वहाँ, देखो अरावली का हिल्स जो है पूरी पूरा व्यू आता है। ये सामने कौन सा प्रोजेक्ट है? ये नेचर प्लस का है, नेचर प्लस का गोदरेज का। केआरएम मंगलम हो गया, आगे फिर त्रिशारा होम भी आई थिंक आस पास है यहाँ पे, जीडी गोइंग का पास में सारी चीजें हैं। जैसे बताया था ना जापानीज कंपनी यहाँ पे आ रही है पास में, 550 करोड़। इसके अलावा काफी कंपनी है जहाँ यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है, एक्साइड की कंपनी भी करने वाली है इन्वेस्टमेंट, तो काफी मोटा इन्वेस्टमेंट होगा। ये गोल्फ एरिया हो गया, कितना एकड़ में ये गोल्फ एरिया? एक आइडिया, कम से कम भी 4 एकड़ लग रहा है ये तो, ये आगे तक है सर, उससे भी ज्यादा बड़ा, 7-8 एकड़ है। और यहाँ क्या प्लान चल रहा है, किसी और की लैंड है वाली? नहीं, ये अपनी। अच्छा, कुछ और अभी बाद में प्लान करेंगे, अभी कुछ नहीं, फ्यूचर डेवलप। होटल आना है, होटल भी आना लो, 5 स्टार, राइट? रिजोर्ट है तो 5 स्टार होटल ही चाहिए होगा। कार सर्विस दी जाती है यहाँ पे अपने, यहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं इनके जो रहते हैं यहाँ लोग, उनको कार सर्विस दी जाती है, पूरी प्रॉपर कार सर्विस दी जाती है। मेंटेनेंस के अंदर हमने राउंड लगाया है, सोसाइटी के अंदर कहीं भी हाई टेंशन वायर नहीं है, एक सिंगल हाई टेंशन पावर कोई वायर नहीं। अगर हम देखते हैं कई ऐसे प्रोजेक्ट है जिनके बीच में से ही जाती है हाई टेंशन, एक सिंगल नहीं है। जहाँ एक पार्ट रह गया हमारा उसको भी कवर करते हैं, लास्ट वही रहता है हमारा।
रोड पे कहीं भी आपने देखा हो, इतनी बारिश हुई थी अभी थोड़ी देर पहले गुड़गांव में, क्या हाल था प्रॉपर मेन गुड़गांव के अंदर। यहाँ देखो एक सिंगल आपने नोटिस किया होगा, कहीं भी पानी नहीं भरा, पिटफॉल्स कहीं भी नहीं है, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगता कि वाटर लॉगिंग हो रही है, कहीं भी नहीं। ये पूरा प्री प्लान है मास्टर प्लान के अंदर, इस वजह से ये चीज़ प्रॉपर बनाई गई है। सामने देखो ये गुरुद्वारा दिख रहा है, वो इंडिपेंडेंट हाउस गुरुद्वारा हमारा राइट साइड में था, राइट गुरुद्वारा और टेंपल, ये घर है, ये घर बना रखा था वो किसी ने, और इंडिपेंडेंट वो कुछ ज्यादा ही इनोवेटिव है, कोई सिख फैमिली रहती होगी जिन्होंने इतना प्यारा बनाया सर। फ्लोर विलास, अच्छा ये विलास इन्होंने कंपनी ने बना के दिए होंगे, जो हॉर्स राइडिंग होती है मतलब ये सर्विस ऑल डे ओपन रहती है। इसके कुछ चार्जेस होते हैं मेंटेनेंस में होता है? नहीं मेंटेनेंस में क्यों होंगे, वो तो अलग से होंगे। सब्सक्रिप्शन ये विलास अंडर कंस्ट्रक्शन है संदीप। Yes. मैं कहा पूरा यहाँ सेंट्रल पार्क में प्रैक्टिस पे चाहिए। ये देखिए वो साइड अस्तबल, यही बोलते हैं हिंदी में अस्तबल, अस्तबल सामने देख सकते हैं हम घोड़े हैं। फन एक्टिविटीज बहुत है, घर जैसी फीलिंग ना है सोसाइटी के अंदर। ये देखिए हर जगह सिक्योरिटी देखो कितनी टाइट है, एंट्री ऐसे हो ही नहीं सकती किसी दूसरे अपना फेस के अंदर, एफ हो गया एस हो गया राइट या और चार्ट हो गया, सारे ही बहुत अच्छे, बहुत अच्छी सोसाइटी बनी है। We are back to sales office, but पहुँचने वाले हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ कंप्लीट हो गई है, बाकी जो वर्किंग है हमारी और चार्ट पे है और साथ में साथ बेल विस्टा पे है। बेस्ट प्राइस और बेस्ट डिटेल्स के लिए प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस।